सावन का महीना हो और शिव शंकर की बात ना हो तो पूरा सावन का महीना मानो अधूरा सा है, और शिव शंकर की भक्ति की बात हो और कांवरियों की बात ना हो तो शिव की भक्ति अधूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, शिव शंकर की भक्ति और कांवरियों का मेला आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये सीमांचल का सबसे प्रसिद्ध गंगा घाट है, उत्तरी वाहिनी गंगा घाट, मोक्ष की घाट कहे जाने वाली मनिहारी घाट। और आप मेरे पीछे जहाँ भी देख पा रहे होंगे सिर्फ कांवरियों की आवाज़ है, बोल बम का नारा है, कान दिमाग हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रही है, बोल बम। तो देख लीजिए सावन का महीना कितना खास होता है, और बिल्कुल सावन का महीना अब खत्म होने वाली है, और मनिहारी गंगा घाट का जो दृश्य है वो बिल्कुल ही मनमोहक है। जहाँ तक नज़रें जा पा रही होगी, हम कहेंगे जरा कैमरा पर्सन को दिखाएं, आप देखिए जहाँ तक नज़रें जा रही हो, आप मेरे बाएं ओर देख सकते हैं, मेरे दाएं ओर देख सकते हैं, जहाँ भी आप देख पा रहे होंगे सिर्फ शिव भक्त कांवरिया कांवरिया ही दिखेंगे, गेरुआ वस्त्र और उनके हाथ में कांवर और कांवरिया। देखिए किस तरीके से, यहाँ देखिए किस तरीके से कांवरिया बोल बम का नारा लगा रहे हैं, और इतनी खुशी है शिव शंकर के नाम की, क्या शक्ति है आपको दिख पा रहा होगा। इन कांवरियों के अंदर एक अलग प्रकार का जोश है, शिव की भक्ति है, और ये कांवरिया यहाँ से गंगा जल उठाकर अपने अपने जगह जाते हैं, और खास करके नेपाल के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल के साथ साथ सीमांचल के कई इलाके जिसमें पूर्णिया अररिया किशनगंज के लोग यहाँ आते हैं। और इस गंगा घाट कितनी शक्ति है कि सिर्फ उत्तरी वाहिनी गंगा घाट का ही जल कहीं ना कहीं कांवरियों के मन में सबसे पहले होता है कि बाबा भोलेनाथ को यहाँ का ही गंगा जल से जलाभिषेक कराएगा। आगे भी कांवरियों से कुछ कांवरियों से बात करने की कोशिश करेंगे, मनिहारी दर्शन और मनिहारी में कांवरियों की भीड़ दोनों की चर्चा करेंगे। मनिहारी दर्शन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, और जो कांवरिया है कांवरियों के लिए यही प्रवेश द्वार है। ये अम्बेडकर चौक है मनिहारी का, और देखिए कांवरिया इसी ओर से जाते हैं, और जो ये रास्ता है, ये जो रास्ता है मेरे दाहिने ओर, ये पश्चिम बंगाल के ओर चले जाता है, जबकि ये सीमांचल के कटिहार पूर्णिया NH को सामने से जाती है। तो मनिहारी की जो व्यवस्था है, मनिहारी नगर पंचायत की ओर से जो क्या व्यवस्था है, इनसे जानना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, आप हैं यहाँ के मनिहारी के, क्या सावन का महीना और पूरा मनिहारी जो है आज भक्तिमय दिख रहा है। मनिहारी नगर से हमारे श्रद्धालु को जो भी सुविधा चाहिए, हर सुविधा मुहैया नगर के द्वारा किया गया है, और कुछ यहाँ के लोकल भी जो संस्था है उनके द्वारा भी किया गया है। जैसे मुख्य रूप से मनिहारी में ब्रैकेटिंग का, गंगा घाट पे ब्रैकेटिंग लगाया गया है, कैंप पुलिस कैंप लगाया गया है, मेरे द्वारा मेरे अपने निजी कोष से शिविर भी बनाया गया है, जिसमें कि पानी शरबत फल सबकी सुविधा है, और नगर के भी टैंकर से रोड पे पानी पटाया जा रहा है। दिन में काफ़ी धूप थी रोड, हाँ, और अभी भी चल रहा है, और यहाँ लाखों लाख की भीड़ है वो आप देख रहे हैं। हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि मनिहारी घाट में मनिहारी नगर की तरफ से सिर्फ सारा व्यवस्था नहीं हो सकता है, इसको जो है राजकीय मेला घोषित करने का बिहार सरकार काम करे। अभी DM साहब SP साहब भी आए थे, उनसे भी मेरा आग्रह था, उन लोगों ने भी देखा और इस चीज़ को समझा कि नहीं, इस यहाँ पे जो है राजकीय मेला घोषित होना चाहिए। धन्यवाद, हमारे साथ थे मनिहारी चेयरमैन मनिहारी नगर पंचायत के, तो इन्होंने कहा कि कांवरियों के लिए देखिए जो तमाम तरीके के सुविधाएँ मुहैया करवाए जा रहे हैं, और नगर पंचायत इन मामलों में कहीं ना कहीं एक कदम जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो ये वही इलाका है जहाँ से कांवरिया सबसे पहले मनिहारी गंगा ओर, इस साइड मनिहारी गंगा है, वहाँ निकल जाते हैं, और फिर इसी रास्ते से होते हुए पीछे जो एक तरफ पश्चिम बंगाल और एक तरफ कटिहार, दोनों साइड से निकल जाते हैं। और जो दो रास्ते हैं, जो मुख्य दो रास्ते हैं, एक तो रेलवे मार्ग है, रेल मार्ग जिसके थ्रू लोग आते हैं कांवरिया आते हैं, और दूसरा रोड से, बाय रोड जो लोग आते हैं वो
खास करके जो टेम्पो से या बस से जो कांवड़िया आते हैं वो इसी मार्ग को आते हैं। तो कैसी लगी हमारी रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मीठू के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 मनिहारी।